नमस्कार साथियों, आज एक बालिका का वीडियो देखा जिसमें वो कह रही हैं कि उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा चयनित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य करवाया जाता है और जो प्राइवेट स्कूल वाले शिक्षक हैं वो शिक्षक हैं जिनको राजस्थान सरकार ने अध्यापक बनाने से इनकार कर दिया। इनका कहने का मतलब ये है कि वो शिक्षक अयोग्य हैं। तो मैं इस बालिका और इस वीडियो को आगे भेजने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हर वो शिक्षक जो प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट संस्थानों में पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ बीए और बीएड की डिग्री लेकर नहीं पढ़ा रहे हैं। उन सम्माननीय अध्यापकों में से बहुत सारे लोग हैं जो बीटेक की डिग्री धारण करके बैठे हैं, एमएससी है उनके पास, किसी कारणवश वो बहुत ज़्यादा या फिर वो गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये कभी बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो टीचर प्राइवेट स्कूल से या प्राइवेट संस्थानों में पढ़ा रहे हैं वो अयोग्य हैं या सरकारी संस्थानों में पढ़ा रहे किन्हीं भी अध्यापकों से किसी भी तरीके से कम है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोग देखने को मिलता है फिजिक्स के 12 नंबर जिस अध्यापक के आ रहे हैं नीट में, वो भी सरकारी स्कूलों में अध्यापन कार्य करा रहे हैं। कुछ विधवा कोटे से बने हुए शिक्षिकाएँ तो ऐसी हैं जिनके नेगेटिव मार्क्स हैं फिर भी वो सरकारी स्कूलों में अध्यापन कार्य करा रहे हैं। ऐसे बच्चों और ऐसे अभिभावकों और ऐसे मैसेज फॉरवर्ड करने वालों की आंखें खोलने के लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि ऐसे विद्यालयों में, सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य से ज़्यादा चुनाव, टीकाकरण, ये कार्यक्रम, वो कार्यक्रम, पोषाहार का हिसाब रखना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती रहती हैं। कारण बिल्कुल साफ है, ऐसे अध्यापक जरूर योग्य हैं लेकिन वो रिजर्वेशन की वजह से बने हैं या लगातार 5-5 साल, 6-6 साल नीट की तैयारियां कर करके घिस घिस के वो अध्यापक बने हैं। तो इनका कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। सरकारी शिक्षक होना क्षमता का कोई मापदंड नहीं है। इसलिए ऐसे कृपया मेरा निवेदन है आपसे कि बालकों को ऐसे वीडियो बनाने को उत्साहित ना करें और बहुत सही आकलन करें शिक्षकों का, क्योंकि एक छोटी सी बालिका जो 10वीं या 12वीं कक्षा की है वो किसी भी प्राइवेट संस्थान या किसी भी सरकारी संस्थान के टीचर की बुद्धिमत्ता या उसकी क्षमताओं का आकलन नहीं कर सकती। धन्यवाद।